दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के व्यू मोबाइल बैंकिंग को एटीएम कार्ड के द्वारा एक्टिवेट कैसे करेंगे। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यू मोबाइल बैंकिंग को आधार कार्ड के द्वारा एक्टिवेट कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यू मोबाइल बैंकिंग को आधार कार्ड के द्वारा एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यू मोबाइल बैंकिंग को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। देन उसके बाद सिंपली ओपन कीजिए। व्यू मोबाइल बैंकिंग को पहली बार अपने मोबाइल पर ओपन करने के लिए कुछ परमिशन मांगेंगे, तो आप सिंपली इसको अलाउ कर दीजिए। उसके बाद आप व्यू मोबाइल बैंकिंग को जिस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद नीचे ये प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। लैंग्वेज सिलेक्ट करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशन को इसी तरह से एक्सेप्ट करके नीचे ये एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एक्टिवेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एसएमएस सेंडिंग के लिए फिर से कुछ परमिशन मांगेंगे, तो आप सिंपली इसको भी अलाउ कर दीजिए। उसके बाद अपने अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर इस मोबाइल पर इंसर्ट है कि नहीं एसएमएस के द्वारा वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए दोस्तों अपने मोबाइल पर रिचार्जेबल और एक्टिवेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर अपने मोबाइल पर दो सिम कार्ड इंसर्ट करके रखा है तो यहाँ पे दो सिम कार्ड ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप उस सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए जो सिम कार्ड अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। ओके, मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेस होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेंगे, तो आप ये प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह एक मैसेज बॉक्स देखने को मिलेंगे, तो कंटिन्यू करने के लिए ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के द्वारा अपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो आधार कार्ड के द्वारा मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन है आई हैव रजिस्टर्ड आधार नंबर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आई हैव रजिस्टर्ड आधार नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर इंटर कीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिल कर दीजिए। अलग अलग क्वेश्चन के लिए दोस्तों एक रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करके दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद नीचे गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आंसर फिल करके गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल पर 6 डिजिट एक ओटीपी आएंगी, तो उस ओटीपी को सिंपल यहां पे फिल कर दीजिए। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक 4 डिजिट लॉगिन पिन सेट करना होगा, जिस पिन के द्वारा आप व्यू मोबाइल बैंकिंग को पुनराय लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम पिन दोबारा यहाँ पे इंटर कीजिए। 4 डिजिट लॉगिन पिन इंटर करने के बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पिन सेट करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के व्यू मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद अपने मोबाइल बैंकिंग में एक टी पिन यानी ट्रांजेक्शन पिन सेट करना होगा। लॉगिन पिन अपने मोबाइल बैंकिंग लॉग आउट हो जाने के बाद लॉगिन करने का मदद करेंगे, और टी पिन यानी ट्रांजेक्शन पिन के द्वारा अपने मोबाइल बैंकिंग में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस समय जरूरत होगा। तो टी पिन यानी ट्रांजेक्शन पिन सेट करने के लिए आप ये प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों टी पिन सेट करने से पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा 4 डिजिट एक पिन रिसीव होंगे, तो उस पिन को सिंपल यहाँ पे इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने मनपसंद 4 डिजिट टी पिन सेट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे याद रखिए कि लॉगिन पिन और टी पिन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ओके, उसके बाद कंफर्म करने के लिए सेम पिन दोबारा यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद नीचे इस सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। टी पिन सेट करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल बैंकिंग सक्सेसफुल तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आप ये प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन पिन के द्वारा लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल बैंकिंग को और भी सिक्योर करने के लिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर फिल करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर फिल यहाँ पे
कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपने मनपसंद क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसका आंसर फिल कर दीजिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर फिल करने के बाद नीचे लास्ट एंड फाइनल एक प्रोसेस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से एक बार प्रोसेस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यू मोबाइल बैंकिंग पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। मोबाइल बैंकिंग में सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो अलग अलग काम में यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया व्यू मोबाइल बैंकिंग को अपने आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो का एक नया इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।